हेलो गाइस, चलें तो हम शुरू करते हैं कि मेरी दिन की रूटीन कैसे गुजरती है इस क्वारंटाइन में। सारा दिन जलील होकर मेरी गुजरती है, जो कि मुझे सुकून नसीब नहीं होता क्वारंटाइन के दिन में भी। हमारे घर में जब किसी को सामान कोई चाहिए होता है, वो भी उनको स्टेप बाय स्टेप याद आता है, एक दफ़ा में नहीं याद आता। इसलिए मुझे एक एक चीज़ के लिए बार बार उन्होंने मार्केट भेजने का ठेका उठा रखा है, क्या उनको नहीं परवाह कि गर्मी है या सर्दी है, उन्होंने मुझे भेजना ही भेजना है। ठीक है, तो दुकानों की और मार्केट के चक्कर लगा लगा के मेरा मुंह बंदरी जैसा हो गया हुआ है गर्मी में। चलें तो फिर आज आप भी मेरे साथ थोड़ी सी सैर कर लें धूप में, गर्मी की थोड़ी सी, आपको भी पता चले कि गर्मी में कैसे ये लोग मुझ पर ज़ुल्म करते हैं। तो चलें फिर आए आपको मार्केट दिखाती हूँ, मार्केट का क्या हाल हुआ है। क्वारंटाइन में भी इन्होंने मार्केट खोली हुई हैं, कुछ दुकानें बंद हैं और कुछ खुली हुई हैं, और मार्केट का सफाई ना होने के की वजह से बुरा हाल हुआ है, हर तरफ कूड़ा कूड़ा हुआ है। हालांकि ये जोहर टाउन की मेन मार्केट है, मेन मार्केट का ये हाल है। ये अब मैं दूध की शॉप पे आई हूँ, ये है जी हमारे गुज्जर साहब की दुकान है, जहाँ से हमें 20 साल हो गए हैं दूध लेते हुए। ठीक है, और इनको पता होता है मैंने दूर से जाके 2 किलो का इशारा करना होता है कि भाई 2 किलो दूध जो है ना वो 3 टाइम जाता है हमारे घर, तो वो समझ जाते हैं कि बच्ची आ गई है ते पुत्र तुसी पैसे भावें फेर दे दियो। मैंने कहा नहीं अंकल, आप पैसे रखें पकड़ें, आप पैसे फिर क्यों दे रहे हैं, मेरे पास हैं, मैंने कौन सी उसकी लूडो खेल लेनी है, ये लूडो ले कर घर जाना है, पैसे आपके दूध के लिए लेकर आई हूँ। और ये जो 2 बच्चियाँ आप सामने देख रहे हैं ना, ये बहुत तंग करती हैं, जब भी मैं जाऊँ ना आगे मांगने के लिए खड़ी हो जाती है। हाँ जी, तो अब मैं जा रही हूँ जी स्टेशनरी की शॉप पे, तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, तो घर वाले पैसे तो देते नहीं हैं, ना ईदी दी है इन्होंने इस दफ़ा, कसम है खुदा की जो इन्होंने 1 रुपये की भी ईदी दे दी हो, किसी ने सूखे मुंह सुलह भी नहीं मारी। फिर मैं उन्हें कहा चलो खुद ही जो पैसे मेरे पास थोड़ी सेविंग पड़ी थी मैंने निकाले वो, फिर मैंने वो थोड़ी बहुत चीज़ें ली अपनी, कुछ मैंने बनाना था अपने दोस्तों के लिए, तो उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए मैंने कुछ पैसे अपने जोड़े हुए थे वो निकाले जी। अब हम जी घर को वापस रवाना हो चुके हैं, घर को वापस जा रहे हैं हम, और जी धूप तो काफ़ी है, मेरी पूरी उम्र जो है जवानी बचपन सारा इन गलियों में और इस मार्केट में घूमते हुए मुझे लगता है गुजर जाना है, और तो मेरी ज़िंदगी में कुछ लिखा नहीं है। लड़कियां होती हैं कि आजकल वो टोटके आजमा रही हैं मुंह को चिट्टा करने के लिए, प्यारी होने के लिए, घर में रह रह के चिट्टियां हो रही हैं, मेरी सारी दोस्तें इतनी चिट्टी हो गई हैं और प्यारी प्यारी हो गई हैं, लेकिन मैं हूँ मैं कोजी तरीन होती जा रही हूँ, सारा दिन सोना, रात को जागना और सुबह जो है इनके लिए दूध दही लाना, यही मेरी ज़िंदगी का मकसद रह गया। ज़िंदगी ऐसे लगता है जैसे ख़त्म हो गई है, अब ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहा। और पेपर्स हैं वो यूनिवर्सिटी वालों ने ऑनलाइन का चक्कर डाल दिया, अब लगता है जैसे कि ना मौत जो है ना वो अन करीब आने वाली है, तो ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। खैर चल रही है, अब जैसे भी चल रही है, गुजारनी तो है ही, दूध दही ला के या फिर सो के या फिर रात को जाग के। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की, ला 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 ला। अच्छा तो कुर्बानियाँ तो बहुत ही हैं, लेकिन आजकल हमारी आवाम सिर्फ घर में बैठ के खा खा के और गलियों में कूड़ा फैला रही है बस, और तो कुछ उनके पास बाकी नहीं रह गया। अब मेरे इर्द गिर्द सड़कों पे देख सकते हैं, ये जोहर टाउन की सड़कों का हाल है, सोचें फिर बाकी गलियों का क्या बनता होगा। तो ये हम अपनी घर की गली में पहुंच गए हैं, ये थोड़ी साफ है शुक्र अल्लाह का, क्योंकि ये हमारी गली जो इसलिए साफ़ है थोड़ी, लेकिन जो पीछे मार्केट वाला वो तो बहुत बुरा हुआ है वो,
एक हफ्ते बाद चले वो कूड़ा उठा ले म्यूनसिपल वाले तो फिर भी है, लेकिन वो तो पूरा पूरा महीना आते ही नहीं है जब तक के शॉप पर हवाओं में उड़ना ना शुरू हो जाए। देखें, ये शाम को बारिश होने लग गई थी तो मैंने कहा चलो ये आपको भी दिखाया जाए। ठंडा ठंडा मौसम हो गया क्योंकि मुझ पर अल्लाह ताला को तरस आ गया, और जो गर्मी में मैं चक्कर लगाती हूँ मैंने कहा क्यों ना बारिश कर दी जाए। तो बारिश का मौसम हुआ हुआ, बड़ा मज़ा आ रहा था, एकदम से इतनी तेज़ बारिश हुई, मौसम बड़ा सुहाना हो गया था। फिर पंखे भी बंद करने पड़े, मैं थोड़ी मरास्ती टाइप हूँ, मुझे तो जल्दी गर्मी लगने लग जाती है और जल्दी के सर्दी लगने लग जाती। हाँ जी, तो ये हम आ गए हैं जी आपी के ऑफिस के बाहर उनको लेने के लिए। जी, ये मेरी ड्यूटी लगी हुई है कि मैंने उनको 6 बजे ऑफिस से लेना होता है और सुबह 9 बजे ऑफिस छोड़ना होता है, और अब मैं बाहर खड़ी वेट कर रही हूँ कि नवाबजादी कब आएंगी। मुझे पहले जल्दी बुला के कि जल्दी आ जाना, और खुद 5-10 मिनट लेट निकलती हैं। और ये जो गार्ड अभी बाहर निकलता वो आपने देखा है ना, ये खड़ा मुझे वहाँ पे घुरियाँ डाल के देखता रहता है और मैं इसे देखती रहती हूँ जब तक आप यहाँ नहीं जाती बाहर। फिर ये इंतज़ार करता है कि मैं जाके बोलूँ या वो खुद आए, तो मुझे कहेगा कि चलो आप फ़ोन करके उनको बोल दो। मैं कहा चलो भी मेहरबानी है आपकी, आपने मुझे मशवरा दे दिया। फिर आखिरकार मैं फ़ोन निकालती हूँ और फ़ोन करती हूँ, जी बीबी मैं बाहर आ गई हूँ तो आप भी तशरीफ ले आएँ। तब तक मैं बाहर के नज़ारे देखती रहती हूँ। ये बड़े तेज़ हैं, इन्होंने क्वारंटाइन में भी ऑफिस खोला हुआ है, और